लखनऊ में मनरेगा समेत ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह और राज्य मंत्री विकास आनंद स्वरूप शुक्ल पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री आवास, औषधीय वाटिका, पोषण वाटिका और सामुदायिक शौचालयों का लोकार्पण किया। कैटल शेड समेत मनरेगा से विभिन्न लाभार्थी परक योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और आवास लाभार्थियों को कुंजी सौंपी गई। औषधि वाटिका में रुद्राक्ष और मौलिश्री का पौधारोपण भी किया गया। हमारे साथ में ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। आज वो मोहन लालगंज विकास खंड में यहाँ के विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए आए हैं, एक कार्यक्रम में शिरकत करने हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज जिस तरह से आपने राज्य मंत्री जी पहले क्या लगा आपको मोहन लालगंज विकास? अभी जो हमारे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के द्वारा विभिन्न उत्पादों के जो स्टॉल लगाए गए हैं, उन सभी को हम लोगों ने देखा और किस प्रकार से उनको रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, उनकी आजीविका में वृद्धि हो रही है, सामाजिक सम्मान में वृद्धि हो रही है, इससे उन लोगों ने बहुत हम सभी को अवगत भी कराया। सर, यहाँ पर आज एक वाटिका का भी उद्घाटन किया गया है, क्या लगता है कि हर ब्लॉक में इस तरह की बनी है? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से विभाग अपनी पोषण वाटिका, एक हमारा मिशन है कि जो भी हमारी गर्भवती माताएं बहनें हैं, जो धात्री माताएं बहनें हैं, उनको पोषाहार मिलता रहे, जो हमारे ग्राम विकास मंत्री जी, तो उसके लिए कौन कौन से उत्पाद, कौन कौन से पौधे होने चाहिए, उसके लिए एक हमारा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी आज उसकी उद्घाटन किया गया। बिल्कुल, हमारे साथ मंत्री जी, ग्राम विकास मंत्री जी। सर, ये बताइए कि मोदी सरकार अपने 4 साल पूरे कर रही है, ऐसे में कल एक कार्यक्रम भी रखा गया था जिसमें सभी लोगों के साथ में बैठा की गई। सर, क्या लगता है इन 4 सालों में क्या उपलब्धियां रही हैं? 4 सालों में अनगिनत विकास की उपलब्धियां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल निर्देशन में हमारे राज्य आजीविका मिशन ने, मनरेगा ने, रूबर्ण ने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने और ग्राम विकास की अलग अलग योजनाओं से हमने उसे धरातल पर उतारा है, धरातल पर दिख रहा है। मैं आज यहाँ जो ब्लॉक परिसर में हमारे आजीविका मिशन के स्टॉल लगे हैं, उसमें जो महिला संवर्धन की हम बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, उपस्थित महिलाओं के इस स्टॉल ने उसे प्रमाणित किया है। उस दिशा में मोदी जी की इच्छा के अनुसार उत्तर प्रदेश ने काफी बेहतर काम किया है। सर, 22 का क्या एजेंडा रहेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, उत्तर प्रदेश का विकास करना, यही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए जो ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर विकास कार्यों का पूरा जायजा लिया गया है मोहनलालगंज विकास खंड का। साथ ही साथ उन्होंने योगी सरकार के 4 सालों की उपलब्धियों के बारे में भी चर्चा की है। लखनऊ से डेरूस के लिए जय